हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे। सो आज हम एक नई वैकेंसीज लेकर आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ी लिया हुआ, ये वैकेंसीज एम्स भोपाल की तरफ से निकली है। सो बेसिकली ये जो वैकेंसी है वो एक आपके क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की निकली है एम्स भोपाल के अंदर। बहुत ही अच्छा पे स्केल है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगी और बहुत ज़्यादा पोस्ट निकली है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। तो गाइस, ये बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी आया है। एम्स भोपाल बहुत अच्छा है, उसका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो बेटर होगा कि आप इसके लिए अप्लाई करें और वहाँ पे जाके इसको क्वालिफाई करें और एक अच्छी जॉब है जो नर्सिंग ट्यूटर की है वो इंजॉय करें। देखिए, काफ़ी अच्छा स्केल है और ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आती है। ये वैकेंसीज़ कुछ खाली रह गई थी, इसलिए एम्स भोपाल ने दोबारा वैकेंसीज़ निकाली हैं, तो इसी की वजह से। और मैं आप सबको बोलूँगी कि इसका फॉर्म ज़रूर भरें और इसको क्वालिफाई करें और एक अच्छी ट्यूटर की लाइफ देखिए। एम्स भोपाल में एक आप पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है एक नर्सिंग ट्यूटर की लाइफ, तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी इसको मिस ना करिए। तो चलिए आगे अब वीडियो में बात कर लेते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन होगी, आपको कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्रिटीरिया रहेगा बेसिकली। तो अगर सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नोटिस आज का ही है। यहाँ पे आपका 30 डेज़ के बाद डिटेल रोलिंग नोटिफिकेशन फॉर ग्रुप ए नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। फर्स्ट जो कट ऑफ डेट आएगी आपकी वो 30 डेज़, जैसे कि अभी नोटिस निकाला है इसके 30 डेज़ के बाद आएगी। जो सेकंड कट ऑफ डेट आएगी वो 30 सितंबर को आएगी। थर्ड कट ऑफ डेट आएगी वो 28 फरवरी को आएगी। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं इसकी। अभी इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया है, बट विद इन फ्यू डेज़ एक्टिवेट हो जाता है जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो जैसे एक्टिवेट हो जाता है हम आपको अपने चैनल के थ्रू अपडेट देने की कोशिश करेंगे। सो बाकी अब पोस्ट की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं 14 तारीख का ही नोटिस है। यहाँ पे रजिस्टर का निकला है, ये डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट का निकला है, ये थोड़े हमारे काम का नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर का निकला है, यहाँ पे मेडिकल फिजिशियन का निकला है, अकाउंट ऑफिसर का निकला है यहाँ पे। हाँ, ट्यूटर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर नर्सिंग यहाँ पे निकला हुआ है। बेसिकली आपकी जो एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स तक की होनी चाहिए। ठीक है, 33 पोस्ट का निकला है। देखिए, SC में 2 पोस्ट हैं, ST में 9 हैं, OBC में 3 हैं, EWS में 3 हैं और आपकी 14 है जनरल के अंदर। सो गाइज, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, इतनी पोस्ट ऑलमोस्ट एम्स निकालता नहीं है, पर इस बार निकाल दी है उन्होंने। तो गाइज, ये अपना चांस मिस मत करिए, घर पे बैठने से अच्छा है एटलीस्ट आप वहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर की जॉब बहुत अच्छे से इंजॉय करिए। और देखिए, एम्स है, एम्स एक खुद इतनी बड़ी ब्रांड नेम हो जाता है आपको दूसरों के सामने बोलना क्या हम एम्स में पढ़ाते हैं। तो और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका जो पे स्केल होगा, देखिए वो भी बहुत अच्छा है, 15,000 से लेकर 39,000 तक का पे स्केल है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है आगे। BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ होनी चाहिए, विद सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका टीचिंग के। देखिए, आपके पास BSc नर्सिंग प्लस MSc की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन में आ रहा है। तो मास्टर डिग्री नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ इन स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग इंस्टीट्यूट आफ्टर ऑब्लिंग द मास्टर डिग्री। ठीक है, सो ये नोट दे रखा है, इसमें यही बता रखा है कि जो कट ऑफ डेट होगी वो एट द मैक्सिमम एज लिमिट होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पता ही हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में होंगे, वो जो लिंक है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तो हम तब आपको अपने वीडियो के थ्रू बता देंगे। बाकी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वैलिड ईमेल आईडी, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, DBG फॉर्मेट में चाहिए, स्कैन सिग्नेचर ऑफ दिस कैंडिडेट, ऑनलाइन पेमेंट डिटेल ऑफ द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस, एनी अदर डिटेल्स एज पर द एडवर्टाइजमेंट। डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC है,
और आपके जो और सारी जो डिग्री सर्टिफिकेट्स मार्कशीट होंगे, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन वेयर एप्लीकेबल एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने। एज रिलैक्सेशन आपको बता ही दिया है, एज पर द गवर्नमेंट रूल होता है। जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन और हार्ड कॉपी ऑफ द सेम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ द पोस्ट। एप्लीकेशन फीस बेसिकली अगर OBC और जनरल कैटेगरी से हैं आप तो 1000 लगेगी, और SC ST PWD से हैं तो 250 है बेसिकली। ऑनलाइन मोड में होने वाला है पेमेंट, गेटवे ऑफ द एम्स भोपाल में करना। एप्लीकेशन फीस वंस रेमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी अदर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और बस यही इन्फॉर्मेशन थी, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस जो ये जो आपका PDF है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसको बहुत अच्छे से आप देख भी सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी सबको, प्लीज़ जाइए, इसके फॉर्म जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो जाता है हम बता देंगे, और इसका फॉर्म ज़रूर भरिए, इसको मिस मत करिए। बहुत अच्छी जॉब है ये, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। और एम्स भोपाल का जो नॉर्सेट 2021 का जो अभी भी कुछ अपडेट आ नहीं रहा है, तो जैसे भी कोई अपडेट आता है हम आपको अपने चैनल के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। बट हम अभी काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एम्स भोपाल के साथ कि हमें कोई अपडेट मिल जाए, पर अभी तक हमें कोई अपडेट मिल नहीं रही है। जैसे भी कोई अपडेट मिलती है हम अपने चैनल के थ्रू आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो आप परेशान मत होइए, देखिए ज्वाइनिंग तो होगी और इसी साल होगी और बहुत जल्द होने वाली है, 1-2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सब जन की भी ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग वगैरह हो गया, बट अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है, 1-2 महीने उसमें भी लग रहे हैं, तो तब तक उतना टाइम एम्स भोपाल में भी लग जाएगा। तो अभी परेशान मत होइए, और भी कैंडिडेट्स हैं। सो मैं यही बोलूँगी, जस्ट हैव पेशेंस। आपकी जॉब, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपकी जॉब तो पक्की ही पक्की है, आपकी जॉब कहीं से जाएगी नहीं, आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।